Hello everyone, myself Somendar Sharma, and our some examples of bases in fractions. Clear? Fractions पर base क्या है बेटा? Questions है. Fractions पर base क्या है? हमारे questions है, examples हैं. जैसे हमने questions किए थे, write 5 equivalent fractions बताने हैं. Equivalent fractions क्या होते हैं बेटा? कि इसके अंदर इसका ऐसी value से multiply करना numerator और denominator को. ठीक है, numerator और denominator. देखो बेटा, हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट्स बनाने होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने होते हैं. तो क्या करते हैं, सेम वैल्यू से न्यूमरेटर को और सेम वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 1-1 से करेंगे, ठीक है, वही फ्रैक्शन आएगा. फिर 2-2 से, फिर 3-3 से, फिर 4-4 से, और फिर 5-5 से. 5 बनाना है तो 2-2 से कर दिया, ठीक है ना. इसी तरह करा नहीं करा, ऐसे ही अदर बनाने. कैसे किए इधर सुन लो एक बार बेटा ध्यान से. इक्विवेलेंट्स बनाना है तो 3/5 है तो 2/2 से कर दिया. तो अगला स्टेप हम किससे करेंगे, 3/3 से. फिर 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4/4 से. फिर नेक्स्ट 3/5 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा, 5/5 से, ठीक है ना. इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे तो 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, ठीक है ना. और इनको सॉल्व करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. जैसे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर करेंगे तो 9 अपन कितने, 5 3 15 आ गए, ठीक है नहीं. इसी तरह आपको ये क्या करना है बेटा, सारी वैल्यूज़ को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, ठीक है. इसी तरह आपके 5 इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश सॉल्व करता है 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. सीमा सॉल्व करती है 4/5, तो हु इज लेस देन, कौन सबसे कम करता है, ठीक है नहीं. दोनों का आपको इक्विवेलेंट्स बनाना है, ठीक है नहीं. यानी कि जिनका दोनों को सेम बना के आपको चेक करना है कि कौन सबसे ज़्यादा करता है. आपको सिखाया था डिवाइड करके चेक कर सकते हो ये इक्विवेलेंट्स बना के, ठीक है. इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, एप्पल्स की जो सीमा है, सॉरी समीरा है, परचेज करती है 3/1/2 के जी एप्पल्स, और ऑरेंज करती है 4/1/3 3/4. तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, क्योंकि टोटल पूछ रहा है ना, ठीक है नहीं, टोटल पूछ रहा है. इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है कि जो सुमन है स्टडी करती है 5/2/3 आवर्स डेली करती है, उसमें से डिवोट्स, ठीक है ना, डिवोट्स 2/3/3 आवर्स में साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ती है, तो बाकी सब्जेक्ट कितने मिनट्स पढ़ती है. तो आपको टोटल आपके पास जैसे 10 रुपीज़ हैं, उसमें से आप 2 रुपीज़ के चॉकलेट्स खाते हो तो रिमाइंडर कितने हो गए बेटा, 8 रुपीज़, ठीक है. तो ऐसी तरह 5/2/3 में वो डेली पढ़ती है. तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करोगे किस में बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है नहीं. फिर उसके बाद जो सेकेंड आपको कह दे रहा मैथ और साइंस का जो आपका टाइम पीरियड दे रहा 2/4/5 आवर, उसको कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है नहीं. तो कन्वर्ट करने पर कितना है अपना, 14/5 आए नहीं है, 14/5, उसको इसमें से क्या कर दो बेटा, लेस कर दो, ठीक है. इसको आपने क्या किया बेटा, लेस किया, ठीक है, आपके सामने दे रखा है आपको, ठीक है. देखो एग्जांपल्स भी कंपलसरी है, इसलिए बेटा एग्जांपल्स आपको दिए हैं. इन ही क्लास रूम टोटल स्टूडेंट्स है 40, उनमें से 1/5 स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश को लाइक करते हैं. 1/5 इंग्लिश को लाइक करते हैं टोटल में से. देखो बेटा टोटल में से 1/5 इंग्लिश को लाइक करते हैं, तो टोट तो इंग्लिश को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स क्या हो गए, 40 स्टूडेंट्स 1/5 लाइक करते हैं, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने आ गए बेटा, 8, ठीक है नहीं. सेकेंड आपसे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए कितने हैं बेटा, 2/5, तो 40 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा. देखो 40 जैसे अपने अभी भी किया है अपन ने, इधर देखो बेटा ध्यान से, ये किया है अपन ने इंग्लिश के लिए, टोटल स्टूडेंट्स से 40 थे, उसमें से 1/5 इंग्लिश को लाइक करते हैं, तो क्या किया था अपन ने 1/5, देखो 40 में से 1/5 लाइक करते हैं, तो इसको लेस किया तो कितने आ गए, 8 स्टूडेंट क्या लाइक करते हैं, इंग्लिश लाइक करते हैं, ठीक है ना. इसी तरह अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि, एक मिनट सुनो बेटा, हमसे क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो स्टडी है टोटल है मैथमेटिक्स के कितने बेटा, 2/5 स्टूडेंट्स है, टोटल तो स्टूडेंट्स कितने बेटा, 40, तो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 तो स्टूडेंट्स हैं, और 2/5 क्या करते हैं, 40 तो स्टूडेंट्स हैं बेटा, और 2/5 क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, तो क्या बच जाएंगे रिमेनिंग बेटा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ गए, 8 2 जाए कितने आ गए बेटा, 16, यानी 16 मैथ्स को क्या करते हैं बेटा, लाइक करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बेटा, क्लियर है. देखो ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा ट्राई करना, नहीं आए तो बैठा हूँ मैं, ठीक है ना. और फिर क्या है, व्हाट फ्रैक्शन टोटल लाइक स्टूडेंट स्टडी साइंस, क्योंकि इंग्लिश आ गया मैथ आ गया, टोटल स्टूडेंट 40 थे, ठीक है नहीं, उसमें से 8 स्टूडेंट तो इंग्लिश के आ गए, 16 स्टूडेंट आ गए आपके मैथमेटिक्स के, तो रिमाइंडर कितने रह गए बेटा, ठीक है ना. तो रिमाइंडर कितने रह गए, देखो 8 तो इंग्लिश के हो गए, ठीक है ना, प्लस 16 आपके मैथ्स के हो गए, तो टोटल हो गए 24, ठीक है ना. और टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा, 40, तो रिमाइंड कितने बच गए बेटा, जो साइंस के रहेंगे, यानी कितने बच गए, 16 स्टूडेंट्स किसके हैं बेटा, साइंस के.
ठीक है बेटा, क्लियर है? तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बच जाएंगे बेटा? 16 बच जाएंगे, और उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 16/40, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 40। फ्रैक्शन फॉर्म में पूछ रहे हैं ना आपसे, ठीक है? क्लियर है? तो आज के लिए इतना, थैंक यू बेटा।